मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SBC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमेंथीस, जो कि MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हेलमेंथीस के अंदर पैरासिटिक एडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक एडेप्टेशन जो हैं वो हैं किसी भी एनिमल के अंदर जो बहुत सारे डीप चेंजेस, प्रोफाउंड यानी डीप चेंजेस और मॉडिफिकेशन जो हो जाते हैं, उससे उन चेंजेस से वो अपनी जो पैरासिटिक जो लाइफ है उसे सक्सेसफुली वो जी पाता है। कैमेरॉन जो है साइंटिस्ट, उन्होंने 1965 में पैरासिटिक लाइफ के बारे में कहा था कि पैरासाइट्स जो हैं वो अपनी जो लाइफ है उसे सक्सेसफुली इसलिए जी पाते हैं ताकि वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसे अडेप्ट करते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके अंदर, साथ साथ वो लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो फ्री लिविंग जो सेसाइल एनिमल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे जो हेलमेंथीस हैं वो मोनोफेजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। हेलमेंथीस के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ये दोनों के दोनों एडेप्टेशन उसे पैरासिटिक लाइफ जीने के लिए हेल्प करता है। हेलमेंथीस जो है वो इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल ग्रुप है, और इनके अंदर जो प्लेडी हेलमेंथीस जो हैं और निमेथे हेलमेंथीस जो ग्रुप है, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। इनमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्ट हुई हुई होती हैं। अब हम जानते हैं कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। बाहर की मॉर्फोलॉजी से लेकर अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स के अंदर चेंजेस आते हैं। यहाँ जो पैरासिटिज्म है वो अनडाउटेडली जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर दूसरे तक पहुँचता है, और इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये सारे के सारे चेंजेस डिपेंड करते हैं उनके फूड पर, और उसके साथ साथ बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को इस एनिमल को अडेप्ट करने में ये हेल्प करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है हेलमेंथीस का वो ये है कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि वो पैरासाइट कितने डिग्री का पैरासिटिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर बहुत एक्सट्रीम पर पैरासिटिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं डीजनरेशन की, क्योंकि जब हम पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट दो तरह के पैरासिटिज्म प्रेजेंट होंगे, और डीजनरेशन एंडो पैरासाइट्स के बहुत कॉमन कैरेक्टर है। तो हेलमेंथीस के अंदर ये डीजनरेशन प्रेजेंट होता है, और जैसे आप मान लीजिए लोकोमोटर जो ऑर्गन्स हैं और वो डीजनरेट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डीजनरेट हो जाता है, सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो डीजनरेट हेलमेंथीस के अंदर हो जाते हैं, और इनका जो फूड है वो या तो डाइजेस्टेड फूड लेते हैं या सेमी डाइजेस्टेड फूड ये होस्ट से लेते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर ये सारे के सारे जो सिस्टम है वो डीजनरेट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। हेलमेंथीस के अंदर जो है वो लोकोमोशन ऑर्गन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनकी जो फ्री लिविंग जो लावल जो स्टेज है उनके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, और इनका जो मेरिसिडियम और हेक्साकेंथ जो फ्लैटफॉर्म का लावा है उनके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, बाकी किसी भी तरह का लोकोमेट्री ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ एलिमेंटेशन यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। फर्स्ट है टोटल डिसअपीयरेंस इन द एडल्ट टेपफॉर्म। टेपफॉर्म के अंदर जो एडल्ट है उसके अंदर बिल्कुल जो एलिमेंट्री कैनाल है बिल्कुल गायब हो जाती है,
और हर्मेफ्रोडाइट एडल्ट्स जो हैं उनके अंदर भी ब्लाइंड गट प्रेजेंट होती है। रेडिया जो स्टेज होती है हेलमेंथीस की, उसके अंदर भी जो एलिमेंट्री कैलान है वो एलिमिनेट हो जाती है स्पोरोसिस स्टेज के अंदर। सेंसरी ऑर्गन, इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन जो है वो बहुत रिड्यूस्ड या एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये होस्ट के बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह सेंसरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे फेसियोला के अंदर। और क्योंकि ये सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन जो एब्सेंट है वो जो एंडोपैरासाइट्स हैं उनके अंदर ये फीचर पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो इनके अंदर जितना भी फूड है वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन से हो रहा है। तो इनके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर डेवलप हो जाता है, और ये जो एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फ स्पेसेस जो हैं जैसे मोलस्का के अंदर होता है, उसी तरीके से इनके अंदर भी जो एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि ये हेपाटिक एरिया में रहते हैं फ्लूक्स, तो ये बाइल से डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द होस्ट, हम जब एंडोपैरासाइट की बात करते हैं तो होस्ट का जो डाइजेस्टिव जूस है, अगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कोई पैरासाइट है तो वहाँ पर होस्ट का जो डाइजेस्टिव जूस है वो एनिमल्स जो पैरासिटिक एनिमल है उसको हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। तो इसी कारण इनके अंदर जो है ऊपर की तरफ हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो या सिस्ट या कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैप्सूल है और सिस्ट, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस से इसे बचाने का काम करते हैं। तो ये एक तरह का एडेप्टेशन होता है, और इनका जो मटेरियल है वो काइटिन के जैसा बना हुआ होता है, और ये जो मटेरियल है वो इम्परमेबल नेचर का होता है। लीवर फ्लूक्स जो हैं उनके अंदर दो सकर प्रेजेंट होते हैं, एक वेंट्रल साइड पर और एक एंटीरियर साइड पर और दूसरा पोस्टीरियर साइड पर। अब ये जो सकर हैं ये भी एक तरह का एडेप्टेशंस हैं जो कि हेलमेंथिस के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो एक सरफेस पर वो अटैच होने का ये काम करता है। उसके साथ साथ ये सकिंग टंग की तरह भी काम करते हैं, ग्रूव्स बनाने में काम करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो स्कॉलक्स के अंदर जो सकस होते हैं वो इसको अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। हुक्स, बहुत सारे हेलमेंथीस जैसे टेपवर्म्स जो है और निमेटोड्स हैं उनके अंदर हुक्स प्रेजेंट होता है। और ये जो हुक्स है जैसे हम टीनिया के अंदर हुक को देख सकते हैं यहाँ पर, और ये एक डबल सर्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि रस्टेलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और डॉग टेपवर्म जो है उनके अंदर बहुत सारे राउंड्स जो हैं प्रोबॉसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हुक्स के। और ये जो हुक्स हैं उनके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि बकल कैप्सूल के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ग्लैंड्स, हेलमेंथिस में एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स भी एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है। बहुत सारे जो हेलमेंथीस हैं उनके अंदर माउथ के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि यूनिसेलुलर सिक्रेटरी ग्लैंड होती हैं। ये एंकरेज का काम करती हैं और इसके अलावा ये फूड सप्लाई में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये जो यूनिसेलुलर जो ग्लैंड है ये बहुत सारी सर्केरिया जो स्टेज है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। और हुकवर्म्स जो हैं उनके अंदर भी ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि बकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। और इस तरीके से ये फूड सप्लाई एब्जॉर्प्शन में भी, उसको स्मूथ बनाने में भी हेल्प करती है, और एक फेवरेबल एंकरेज जो है हैबिटेट पे वो भी ये प्रोवाइड करती है। मॉडिफिकेशन फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेलमेंथीस में एडेप्टेशंस हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो
एंडो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर कि उसे सर्वाइव एडवर्स कंडीशंस हैं, उन कंडीशन से इन्हें बाहर निकलना है। तो इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके जो एडल्ट्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है और इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एस्कैरिस जो लिम्ब्रिकॉइडिस है उसके अंदर 2 लाख एग्स जो हैं वो प्रतिदिन डेली बनते हैं, और ह्यूमन हुक फॉर्म्स जो हैं उनके उसके जो एग्स हैं वो 25,000 से 30,000 एग्स पर डे प्रोड्यूस होते हैं, और टेफर्म है उसमें 30,000 से 50,000 एग्स पर डे बनते हैं। अब आप ये देखिए इन एग्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी सर्वाइवल की जो रेट है वो बहुत कम होगी, और इनका जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो बहुत हो सकता है बहुत सारे होस्ट जो हैं, एक से ज़्यादा जब होस्ट होते हैं तो उनकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती है। तो इन सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए कि मैक्सिमम सर्वाइव करें इसलिए इनका एग का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप हुआ हुआ होता है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जो है वो पैरासाइट्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस इस तरह से होंगे कि वो इन एडवर्स कंडीशंस के अंदर मेटाबॉलिकली अडेप्ट हो सके। फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की। इनके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है क्योंकि जो फूड ये ले रहे हैं वो डाइजेस्टेड फूड आता है, तो सिर्फ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लेवल पर यहाँ पर पैरासाइट के अंदर होना होता है। एडल्ट जो लीवर फ्लूक्स है, फेसियोला हेपेटिका है, ये क्या करते हैं, बाइल जो जूस है वहाँ उस पर ब्लड पर और लिम्फ पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ये जो सारा का सारा न्यूट्रिशन उसे एक्स्ट्रा सेलुलरली मिल जाता है, और ये जो है वो इंटेस्टाइनल सीका के अंदर पहुँच जाता है, और जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और ये जो फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट है। बाकी बहुत सारी जो इन्फ्लेमेटरी सब्स एलिमेंट्स हैं वो भी होस्ट के अंदर और टिश्यू से ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, इनके अंदर बहुत अच्छा ऑस्मो रेगुलेशन प्रेजेंट होता है क्योंकि जो एंडोपैरासिटिक एनवायरनमेंट है वहाँ पर अपने ऑस्मो रेगुलेटरी बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर इनमें जो प्लेटिहेलमिंथीज हैं और उसके जो सिस्टोडा और ट्रीमेटोडा हैं वो अपने ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाते हैं, और इनकी ताकि वहाँ पर होस्ट के अंदर रहने के लिए उनके जो सॉल्ट्स और आयन का जो बैलेंस है वो टिश्यू के अंदर किस तरह से बनाए, तो लगातार इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होता रहता है। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंडोपेरासाइट्स जो हैं वो वहाँ एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए इनका जो मेटाबॉलिक जो रेट होती है वो मिनिमम उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इनका जो रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पर डिपेंड हो जाता है, और इनकी जो एनर्जी है वो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन से उसका जब ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू और पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड के फॉर्म में एनएडी इसे मिलता है और एनर्जी मिलती है। आज हमने हेलमेंथीस के अंदर मिलने वाले पैरासिटिक एडेप्टेशन के बेसिक्स के बारे में जाना। थैंक यू सो मच।